जजा मोर्चा एवं भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा रविवार को पुलिस थाने में ज्ञापन दिया गया। जैश के कार्यकर्ता सुनील सोलंकी निवासी गंधवानी एवं उनके साथियों के द्वारा जजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी जैसे आदिवासी समाज के नाम पर कलंक भाजपा का दलाल शब्द लिखकर अपमान किया गया है, जिससे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आहत हुए हैं। इस बात से आदिवासी समाज में भी आक्रोश नजर आ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। ज्ञापन देते हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष वंदना राठौर, सुखदेव यादव, कुलदीप गौंड, सुमित जायसवाल, जगदीश मुजाल्दे, मयूर गुप्ता, धीरेन्द्र मंडलोई, पप्पू महाजन, कमल यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज आप थाने आए हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी आज मोर्चा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या क्या मामला? धार जिले के गंधवानी के निवासी सुनील सोलंकी द्वारा एवं उनके साथियों द्वारा हमारे क्षेत्र के खरगोन बनवाड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के आजा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी जो सोशल मीडिया पर उनके द्वारा उनके साथियों द्वारा की गई है, उसका हम विरोध करते हैं। उसके लिए आज ठिकरी थाने पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के मोर्चे के पदाधिकारी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों द्वारा मंडल ठिकरी के नेतृत्व में आज ठिकरी थाने पर उनके विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग है कि सुनील सोलंकी एवं उनके साथियों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसका संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कर FIR दर्ज की जावे, ताकि समाज में जो आक्रोश पैदा हो रहा है उसको रोका जा सके।